मम्मी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया चैलेंज है। अच्छा, वो क्या भला? मम्मी, क्या ये पॉसिबल है कि कोई हार के भी जीत जाए? बताओ बताओ, ये मेरा चैलेंज। ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड। आज मैं तुम्हें महाभारत की एक ऐसे कैरेक्टर की स्टोरी सुनाती हूँ जिसके बारे में ज्यादा बातें नहीं होती, लेकिन पांडवों की जीत में उसका एक बड़ा रोल था। वो हार कर भी जीत गया था। वो कौन था मम्मी? शुरू से बताती हूँ। एक बार हुआ ये कि पांडवों के पास गांव के कुछ किसान अपनी एक प्रॉब्लम लेकर आए। किसानों ने उन्हें बताया कि उनके गांव में हर महीने एक राक्षस आता है, और वो जब भी आता है, हर बार वो अपने साथ गांव के किसी न किसी इंसान को ले जाता है। वो इविल इंसान उसके साथ क्या करता था? क्या वो उसको खा जाता था? सुनो तो, गांव वालों ने पांडवों के पूछने पर बताया कि वो राक्षस कहता है कि उसकी माँ एक हवन करती है और उसे उस पूजा के बाद एक इंसान की बलि देनी होती है, जिसके लिए वो यहाँ गांव से एक आदमी को अपने साथ लेने के लिए आता है। हाँ, तो पांडवों ने अपने भाइयों में से भीम को उस गांव वालों की हेल्प करने के लिए भेजा। भीम उन गांव वालों के साथ गए। उस दिन भी राक्षस आया, और आज फिर वो अपने साथ एक इंसान को ले जाने वाला था। तभी भीम ने कहा कि चलो, इस बार मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। भीम ने मन ही मन ये सोच लिया था कि वो आज इस राक्षस और उसकी माँ को मार कर गाँव वालों की समस्या का समाधान कर देगा। तो भीम ने उन्हें मार दिया? नहीं, आगे सुनो। जैसे ही वो राक्षस भीम को लेकर अपनी माँ के पास गया और उसे बताया कि माँ, मैं तुम्हारी बलि के लिए गांव से एक आदमी लेकर आया हूँ, तो उसकी माँ भीम को देखकर शॉक रह गई। ऐसा क्यों मम्मा? उस राक्षस की माता राक्षसी ने कहा कि बेटे, ये तुम किसे ले आए हो आज? ये तुम्हारे पिता हैं। इनके पैर छूकर इनका आशीर्वाद लो। पिता? हाँ, उस राक्षसी का नाम हिडिम्बा था, जो भीम की पत्नी थी। और वो राक्षस जो गांव वालों को पकड़ पकड़ कर लाता था, वो इन्हीं का बेटा घटोत्कच था। लेकिन भीम ने कहा कि मुझे जिस काम के लिए लाया गया है, पहले आप वो पूरा करें। फिर हिडिम्बा ने कहा कि आप मेरे हस्बैंड हैं, मैं आपकी बलि कैसे चढ़ा सकती हूँ? तब भीम ने कहा कि गांव में भी हर कोई किसी न किसी का हस्बैंड या बेटा है, फिर उसकी बलि क्यों? ये सुनकर हिडिम्बा ने प्रॉमिस किया कि आज के बाद वो इंसानों की बलि कभी नहीं देगी। मम्मी, क्या भीम की शादी क्या एक डेविल वुमन से हुई थी? हाँ, जब पांडव वनवास पर थे, तब एक रात जंगल में सभी पांडव और द्रौपदी सो रहे थे और भीम जाकर पहरा दे रहे थे। तभी वहाँ हिडिम्बा आई। हिडिम्बा वहाँ अपने भाई के लिए भोजन की तलाश में आई थी। भीम को देखते ही हिडिम्बा उस पर मोहित हो गई और भीम से कहा कि मेरे भाई तुम लोगों को खा जाएंगे, इसीलिए तुम सब यहाँ से चले जाओ। भीम ने कहा कि चलो, मुझे अपने भाई के पास ले चलो। और उसके बाद युद्ध में भीम ने हिडिम्बा के भाई को मार दिया। वो एक राक्षस था और उसके यहाँ ये रिवाज था कि जो उसके राजा को मारता है, वो उस राज्य की लड़की से शादी करता है और वो वहाँ का राजा बन जाता है। भीम हिडिम्बा से शादी करने के लिए तैयार थे ही नहीं। तब हिडिम्बा ने कहा कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, उसके बाद जब हमारी कोई संतान हो जाए, तब आप यहाँ से चले जाइएगा। सभी के समझाने पर भीम ने हिडिम्बा से शादी कर ली थी और घटोत्कच के जन्म के बाद भीम वहाँ से अपने सभी भाइयों के साथ चले गए थे। अच्छा। हाँ, जब घटोत्कच को पता चला कि भीम उसके पिता हैं, तो उसने उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और कहा कि पिताजी, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ,
आपको जब भी मेरी मदद चाहिए होगी आप मुझे याद करना। मुझ में ऐसी शक्ति है कि आप बस 3 बार मेरा नाम लोगे तो मैं चाहे जहाँ कहीं भी हूँ आपके पास पहुँच जाऊँगा। क्या भीम ने कभी घटोत्कच को याद किया? हाँ, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि आज तुम्हें एक ऐसे कैरेक्टर की कहानी सुनाऊंगी जिसकी बात बहुत कम होती है और जिसकी वजह से पांडवों को महाभारत की लड़ाई में जीत हासिल हुई, और वो कोई और नहीं घटोत्कच ही था। अच्छा मम्मा। हाँ, हुआ ये कि कर्ण के पास एक ऐसा हथियार था जिसका वार कभी भी खाली नहीं जाता था। महाभारत के युद्ध के समय कर्ण ने अपना वो हथियार अर्जुन के लिए बचा कर रखा था, और जब कृष्ण को इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने ही पांडवों को कर्ण के इस हथियार से बचने का रास्ता बताया। कृष्ण के प्लान के मुताबिक तब भीम ने अपने बेटे घटोत्कच को याद किया। कृष्ण ने घटोत्कच से कहा कि ये खतरे का समय है और वो उनकी हेल्प करे। अब घटोत्कच जो एक शक्तिशाली राक्षस था, उसने रात में ही कौरवों की सेना पर हमला कर दिया। रात में उसकी शक्ति और भी बढ़ गई थी। घटोत्कच का रूप देखकर दुर्योधन डर गया। वो भागते हुए अपने दोस्त कर्ण के पास गया। कर्ण ने बहुत कोशिश की लेकिन वो घटोत्कच को नहीं रोक पाया। तब दुर्योधन ने उसे उस हथियार की याद दिलाई जिसका वार कभी खाली नहीं जाता है, लेकिन कर्ण ने तो वो हथियार अर्जुन के लिए बचा कर रखा था। फिर भी दुर्योधन के बार बार कहने पर कर्ण ने वो हथियार घटोत्कच पर चला दिया और इस तरह घटोत्कच की मौत हो गई। हाँ, घटोत्कच की मौत के बाद कृष्ण ने मुस्कुराते हुए सभी पांडवों से कहा कि अब हमें कोई नहीं हरा सकता। घटोत्कच की वजह से कर्ण का वो हथियार आज यूज हो गया जो उसने अर्जुन के लिए बचा कर रखा था। मुझे तो ये पता ही नहीं था। हाँ बेटे, और तुम तो जानते ही हो लास्ट में पांडवों की जीत हुई और घटोत्कच ने दुनिया को सिखा दिया कि सच का साथ देने में अगर जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं, हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। समझे? वो हार कर भी जीत गया था। यस मम्मी। गुड, चलो अब सो जाओ। अगली स्टोरी नेक्स्ट टाइम। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट मम्मी। मम्मी, आज का चैलेंज तो तुम पक्का हरोगी। अच्छा, जरा सुनाओ तो, ऐसा भी क्या मुश्किल चैलेंज है? मम्मी, मान लो किसी इंसान के पास 2 रास्ते हो, एक वो जहाँ दुनिया की सारी सुविधाएं हो, सारी खुशियाँ हो, और दूसरा वो जो मुश्किल रास्ता हो पर सही हो और सच का हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो इंसान सुख वाले रास्ते की बजाय सच वाले रास्ते को चुने? चैलेंज एक्सेप्टेड। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे युधिष्ठिर के पास भी ऐसी ही सिचुएशन आई थी जहाँ 2 रास्ते थे और उन्होंने सुख के बजाय सच का रास्ता चुना। सच में मामा? यस माय डियर बच्चा, सच में। ये स्टोरी है पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर और एक डॉग की। हुआ यूं कि जब पांडवों ने महाभारत की लड़ाई जीत ली, काफी दिन अच्छे से अपना किंगडम चलाया, तब फाइनली उन्होंने अपना पूरा राजपाट यानी पूरा किंगडम त्याग करके अपनी फाइनल जर्नी की तरफ जाने का डिसीजन लिया। अ जर्नी टुवर्ड्स हेवन। हाँ मुझे पता है, दादी कहती है जो अच्छा काम करते हैं वो हेवन में जाते हैं, है ना मम्मा? यस माय डियर बच्चा, पता है इस जर्नी में उनके साथ और कौन था? कौन था मम्मी? एक डॉग जो कि उन्हें रास्ते में मिल गया था, और क्योंकि सभी पांडव और द्रौपदी हेवन में सिर्फ अपने सोल नहीं अपने ह्यूमन फॉर्म में यानी शरीर के साथ ही जाना चाहते थे, इसीलिए वो पैदल ही चले गए। पता है ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमन फॉर्म में स्वर्ग सिर्फ वही जा सकते हैं जो परफेक्ट हो,
यानी जिसने अपनी लाइफ में कभी भी कोई गलती नहीं की हो। क्या वो सब बिल्कुल परफेक्ट है मम्मी? ये तो तुम्हें आगे सुनने के बाद ही पता चलेगा। उन्होंने माइटी हिमालयस को क्रॉस किया, एक सैंडी डेजर्ट क्रॉस किया और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए जब वो सुमेरु माउंटेन पर चढ़ रहे थे तभी अचानक द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। ये देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने तो कभी कोई पाप नहीं किया, वो तो परफेक्ट थी, फिर वो क्यों गिर पड़ी? युधिष्ठिर ने बिना पीछे देखे हुए कहा कि द्रौपदी को हम सब में से अर्जुन से ज्यादा लगाव था, इसीलिए ऐसा हुआ। ये कहकर वो आगे चलने लगे। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। भीम ने सहदेव के गिरने का कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने बिना रुके कहा, सहदेव को अपनी बुद्धिमता यानी इंटेलिजेंस पर बहुत घमंड था इसलिए। कुछ आगे चलने पर नकुल भी गिर गए और पता है युधिष्ठिर ने क्या बताया? उन्होंने कहा कि जैसे सहदेव को अपने इंटेलिजेंस पे घमंड था, वैसे ही नकुल को अपने हैंडसम होने पे, अपने रूप पे बहुत घमंड था, इसीलिए ऐसा हुआ। उसके बाद द ग्रेट वॉरियर अर्जुन भी गिर पड़े और उनके गिरने का कारण भी उनका घमंड ही था। कुछ देर बाद माइटी भीम भी गिर पड़े, अपनी शक्ति यानी अपनी पावर के झूठे घमंड और उसके झूठे दिखावे के कारण। अरे मम्मी, ये तो एक एक करके सब चले गए, बचे सिर्फ युधिष्ठिर और उसका साथी डॉग। हाँ, उसके बाद थोड़ा आगे चलने पर युधिष्ठिर ने देखा कि स्वर्ग के स्वामी भगवान इंद्र अपना रथ लेकर उन्हें लेने आ गए थे। युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं अकेला स्वर्ग कैसे जाऊं? मेरी पत्नी और मेरे भाइयों की तो रास्ते में ही डेथ हो गई। तब इंद्र ने उनसे कहा कि आप निश्चिंत रहिए धर्मराज, वो सभी लोग पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, पर अपने शरीर का त्याग करके केवल आप ही मेरे साथ ह्यूमन फॉर्म में चलेंगे। इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने इंद्र से अपने साथ उस डॉग को भी ले जाने की परमिशन मांगी। वाह मम्मा, फिर आगे क्या हुआ? होना क्या था, इंद्र भगवान ने डॉग को साथ ले जाने से साफ मना कर दिया। इंद्र ने कहा, आई एम सॉरी बट डॉग को स्वर्ग में एंट्री नहीं मिल सकती। युधिष्ठिर ने इंसिस्ट किया कि ये डॉग इतने डिफिकल्ट रास्ते पर भी मेरे साथ रहा, अब मैं इसे कैसे छोड़ दूं? तो इंद्र बोले, तुमने अपने भाइयों और अपनी पत्नी को भी तो रास्ते में छोड़ दिया ना युधिष्ठिर, और आगे बढ़ते गए तो अब जब स्वर्ग का द्वार तुम्हारा इंतजार कर रहा है तो तुम्हें इस मामूली डॉग से कैसा मोह? तो पता है युधिष्ठिर ने क्या कहा? उन्होंने कहा, हे इंद्रदेव, मेरा भाई और पत्नी ने अपना शरीर छोड़ दिया था, यानी दे वर डेड, और उनको जीवित करना मेरे वश में नहीं था, पर ये डॉग अभी जीवित है और अब स्वर्ग की लालच में मैं इस जीवित प्राणी को हरगिज नहीं छोड़ सकता, चाहे मुझे स्वर्ग ही क्यों ना छोड़ना पड़े। काफी देर तक हाँ ना चलता रहा, पर युधिष्ठिर अपनी बात पे अटल थे। उन्होंने इंद्र से कहा कि मैं इसके बिना नहीं जा सकता और यही मेरा आखिरी फैसला है। और ऐसा सुनते ही वो डॉग अपने असली रूप में आ गया। असल में उस डॉग के रूप में धर्मराज खुद युधिष्ठिर के साथ पूरे रास्ते सफर करते रहे। तुम्हें पता है युधिष्ठिर धर्मराज के ही बेटे हैं। इंद्र और धर्मराज युधिष्ठिर की इस बात से बहुत खुश हुए कि उन्होंने डॉग का साथ नहीं छोड़ा और अपने धर्म में अटल रहे, अपने सदाचार, राइटसनेस और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव से उन्होंने ये साबित कर दिया कि क्यों उन्हें धर्मराज कहा जाता है। बस फिर क्या था, इंद्रदेव उन्हें अपने साथ रथ में बिठाकर स्वर्ग ले गए। मम्मी, तो सच में युधिष्ठिर के सामने दो रास्ते आए, उन्होंने सच और इंसाफ का रास्ता चुना। हाँ, युधिष्ठिर ने धर्म का, सच का और सही रास्ता चुना और वही जीवन में हम सबको चुनना चाहिए। लाइफ में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, चूज हमेशा वही करना जो मॉरली सही हो। सबको बराबर नजर से देखना चाहिए,
चाहे वो इंसान हो या जानवर। मम्मी, मैंने एक और बात सीखी है ये कहानी से। अच्छा, वो क्या? यही कि हमें कभी भी किसी चीज पे घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अरे वाह मेरे राजा बेटे, चलो अब जल्दी से सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट मम्मी। मम्मी, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था अपना नया चैलेंज लेकर। तो आज कौन सा चैलेंज लेकर आए हो? मम्मी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई शांत दिमाग से सॉल्यूशन ढूंढ पाए? चैलेंज एक्सेप्टेड। बेटा, मैं आज तुम्हें धर्मराज युधिष्ठिर और यक्ष की स्टोरी सुनाती हूँ, जिसमें तुम्हारे इस प्रॉब्लम का सलूशन भी है। वाओ, युधिष्ठिर तो मेरा फेवरेट है, पर ये यक्ष क्या होता है? बेटा, यक्ष डेमी गॉड्स होते हैं, या यूं समझ लो कि ये आधे देवता और आधे इंसान होते हैं। ये हमारे नेचर की रक्षा करते हैं, जैसे नदियाँ, जंगल, पृथ्वी, इन सब का ख्याल रखते हैं। सच में मम्मा, क्या वो हमारे बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड जैसे होते हैं? हाँ बेटा, ऑलमोस्ट, बस वो सबको दिखाई नहीं देते। ओके। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि कैसे पांडवों को वनवास मिला था और वो जंगलों में रहते थे, खाने पीने के लिए उनको बहुत घूमना पड़ता था। लाइफ इन जंगल वॉज नॉट ईजी। तो एक दिन ऐसे ही पैदल चलते चलते पांडवों को प्यास लगी, तो युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा कि जाओ पानी ढूंढ कर लाओ। आपको पता है सहदेव कौन थे? हाँ मम्मी, पांडवास के यंगेस्ट ब्रदर। ऑसम, मेरे बच्चे को सब पता है। फिर क्या हुआ, उनको पानी मिला? हाँ बेटा, पानी तो मिला। सहदेव ने जंगल में एक लेक ढूंढ लिया था, लेकिन वो जैसे ही लेक का पानी पीने बैठे, उनको एक आवाज सुनाई दी। ओ गॉड मम्मी, क्या वो मॉन्स्टर की आवाज थी? नहीं बेटा, वो आवाज यक्ष की थी। जो लेक सहदेव ने ढूंढा था वो उसके प्रोटेक्टर थे। उन्होंने सहदेव को बोला कि तुम्हें यहाँ का पानी पीने से पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सहदेव ने यक्ष को इग्नोर कर दिया और पानी पीने लगा, और फिर पानी पीते ही वो बेहोश हो गए। क्या वो मर गए? हाँ ऑलमोस्ट, लेकिन आगे सुनो क्या होता है। ओके। जब सहदेव को लौटने में काफी लेट होने लगा तो युधिष्ठिर को थोड़ी चिंता हुई। उन्होंने फिर नकुल को उनके पीछे भेजा। नकुल भी उसी लेक के पास पहुँचा और उसने सहदेव को बेहोश देखा, फिर सोचा कि पहले पानी पी लूं, उसके बाद भाई को देखता हूँ। तभी यक्ष की आवाज आई कि मेरे सवालों का जवाब दिए बिना तुम पानी नहीं पी सकते, और नकुल ने भी यक्ष के सवालों को इग्नोर करते हुए पानी पी लिया, और फिर वो भी बेहोश हो गए। ओ। नकुल और सहदेव के ना लौटने पर युधिष्ठिर ने फिर एक एक करके भीम और अर्जुन को भी उनके पीछे भेज दिया, और वो भी झील के पास पहुँचे। अपने भाइयों को बेहोश देखा और उन्होंने भी यक्ष के सवालों को इग्नोर किया और वो भी बेहोश हो गए। वो सब भी नहीं रहे, बताओ ना मम्मी। युधिष्ठिर अपने भाइयों का वेट कर रहे थे, और जब कोई भी नहीं लौटा तो उन्हें बहुत चिंता हो जाती है, तो युधिष्ठिर खुद भी अपने ब्रदर्स को ढूंढने निकल जाते हैं। और जब वो लेक पर पहुंचते हैं तो अपने ब्रदर्स को बेहोश देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, और वो समझ जाते हैं कि ये सब इस लेक की वजह से हुआ है। फिर वो भी पानी पीने के लिए झुकते हैं। ओ नो, अभी वो भी बेहोश हो जाएंगे? नहीं, जैसे ही युधिष्ठिर पानी पीने लगते हैं, उन्हें यक्ष की आवाज आती है कि अगर तुमने भी मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो तुम्हारी भी हालत तुम्हारे भाइयों की तरह हो जाएगी। युधिष्ठिर बड़े ही विनम्रता से, यानी हम्बली, पूछते हैं कि क्या है आपके सवाल। यक्ष ने भी उसके बाद एक से एक टफ क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए। फिर उन्होंने सही आंसर दिए? क्वेश्चंस बहुत टफ थे।
यक्ष ने पहला क्वेश्चन पूछा, पृथ्वी से भारी क्या है? पृथ्वी मीन्स अर्थ ना मम्मी? हाँ बेटा, युधिष्ठिर ने भी यही सोचा। और सोचो आंसर क्या दिया होगा? पृथ्वी से हैवी क्या होगा? यूनिवर्स। नहीं, उन्होंने जवाब दिया माता, यानी मदर। मदर इतनी हैवी होती है? नहीं बेटा, इसका मतलब माँ सारा भार अपने ऊपर ले लेती है और सबके लिए हमेशा खड़ी रहती है, पिलर की तरह। ओह हाँ मम्मा, जैसे आप। आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। ऐसे ही यक्ष ने कई और सवाल पूछे, जैसे आकाश से ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर ने कहा पिता यानी पापा। हवा से भी तेज क्या दौड़ता है? उन्होंने कहा मन। सच्चा स्नान कौन सा है? युधिष्ठिर ने कहा जो मन का मैल धो दे। ऐसे ही कई सारे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे यक्ष ने, पर युधिष्ठिर ने अपने इंटेलिजेंस से सारे जवाब सही दिए। वाह मम्मी, क्या मैं भी युधिष्ठिर जैसे इंटेलिजेंट बन सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, मेहनत और लगन से आप कुछ भी कर सकते हो। तो यक्ष युधिष्ठिर से काफी इम्प्रेस हो गए और उन्होंने उन्हें ऑप्शन दिया कि वो अपने किसी एक भाई को वापस जीवित कर सकते हैं। जीवित मतलब? जीवित मतलब जिंदा, अलाइव। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं चाहता हूँ आप सहदेव को जीवित कर दें। तो यक्ष बोले सहदेव क्यों, अर्जुन और भीम क्यों नहीं? मम्मी, भीम और अर्जुन उनके रियल ब्रदर्स थे ना? हाँ बेटा, लेकिन युधिष्ठिर सबको बराबर प्यार करते थे। उन्होंने यक्ष को बोला कि मेरे लिए माँ कुंती और माँ माद्री दोनों ही एक समान हैं, और माँ कुंती की सबसे बड़ी संतान यानी कि मैं जिंदा हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप माँ माद्री की बड़ी संतान सहदेव को जीवित कर दें। मम्मी मैं थोड़ा सा सैड हो गया हूँ, क्या यक्ष सिर्फ सहदेव को जिंदा करेंगे, बाकी ब्रदर्स नहीं रहे? अरे बेटा सुनो तो। यक्ष ने जब युधिष्ठिर की ये बात सुनी तो बहुत हैप्पी हो गए। युधिष्ठिर की फेयर बातें और प्योर हार्ट देखकर यक्ष ने सारे पांडव्स को जीवित कर दिया। वाओ! रुको, अभी कहानी में ट्विस्ट है। क्या? युधिष्ठिर ने यक्ष को पूछा कि आप कौन हैं, क्योंकि यक्ष सिर्फ एक विश पूरी कर सकते हैं और आपने तो मेरे सारे भाइयों को जीवित कर दिया। क्या वो यक्ष नहीं थे? नहीं बेटा, वो यक्ष नहीं, यक्ष के रूप में युधिष्ठिर के धर्म पिता धर्मराज थे, वो उनका टेस्ट लेने आए थे। अच्छा, जैसे पापा कभी कभी मेरा सरप्राइज टेस्ट लेते हैं? हाँ बिल्कुल वैसे ही। सो युधिष्ठिर अपने ब्रदर्स को लेकर वहाँ से चले गए, समझे? वाह मम्मी, ये तो मुझे पता ही नहीं था। बेटे, युधिष्ठिर की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्रॉब्लम्स के समय भी हमें धीरज यानी पेशेंस को नहीं खोना चाहिए। जैसे युधिष्ठिर ने अपने बेहोश भाइयों को देखने के बाद भी पेशेंस रखी और यक्ष के सवालों का जवाब दिया और तुमने देखा सब ठीक हो गया। इसीलिए पेशेंस के साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करने वाले ही इंटेलिजेंट होते हैं। यस मम्मी, मैं भी ऐसा ही बनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा पेशेंट ही रखूंगा। मेरे पीटी सर भी ऐसा ही कहते हैं। गुड, चलो अब सो जाओ, क्योंकि युधिष्ठिर जैसा बनना है तो पहले डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा मेरे बच्चे। ओके मम्मा, गुड नाइट। गुड नाइट। मम्मी मैं जानता हूँ कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन मेरे पास एक ऐसा चैलेंज है, तुमने उसको पास कर दिया तो मैं तुम्हारे इंटेलिजेंस पे कभी डाउट नहीं करूँगा। अच्छा चलो जरा हम भी तो देखें कि क्या चैलेंज लेकर आए हो। क्या ये पॉसिबल है कि हर हाल में हम अपना फोकस अपने टारगेट पे रख सके? बताओ, ये है मेरा चैलेंज। ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड। चलो
तुम ले जाओ, अपनी आंखें बंद करो और मैं तुम्हें कृष्ण भगवान की प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ, जिससे तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। ओके मम्मा। तो आज से कई सौ साल पहले जब कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई चल रही थी, तब एक बड़ी अनोखी सी बात हुई। तुम तो जानते हो ना कि पांच पांडव भाई थे। हाँ मम्मा, और द्रौपदी उनकी वाइफ थी ना। राइट। तो इन पांच पांडव भाइयों में से सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को गिफ्ट में किसी ने एक जादुई आईना यानी मैजिक मिरर दिया था। दिखने में तो ये एक नॉर्मल सा आईना था, पर इसकी एक खास बात थी। जो भी इस आईने में ध्यान से देखता, उसको खुद के प्रतिबिंब की जगह किसी और का चेहरा दिखता। प्रतिबिंब समझते हो ना? रिफ्लेक्शन। वाह मेरे स्मार्ट बच्चे। बट किसका रिफ्लेक्शन मम्मा? उस आईने में देखने वाले को उसी का रिफ्लेक्शन दिखता था जिसके बारे में वो सबसे ज्यादा सोचता है। मतलब समझो, अगर वो आईना मेरे पास होता और मैं उसमें झांक कर देखती, तो उसमें मुझे तुम दिखाई देते, क्योंकि पूरा दिन मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ ना। हाँ, और पापा देखते तो? पापा देखते तो उन्हें मैं? ऑफ कोर्स बेटा, पापा को भी तुम ही दिखाई देते। अच्छा। तो जो भी उस आईने में देखता, उसे वही दिखता जिसके बारे में वो सबसे ज्यादा सोचता है। अब युधिष्ठिर ये वाला आईना लेकर अपने बाकी सब भाइयों के पास आए और उन्हें इस आईने के बारे में बताया। सारे पांडव भाई बड़े एक्साइटेड हो गए। सब एक दूसरे से आईना छीनने लगे। मैं देखूंगा, नहीं छोड़ो, पहले मैं देखूंगा। ऐसा कहकर सारे भाई आपस में प्यार से लड़ रहे थे। फिर युधिष्ठिर ने सबको शांत रहने के लिए कहा। फिर वो बोले कि सब भाइयों को आईना देखने का मौका मिलेगा, पर एक एक करके और अपनी अपनी उम्र के हिसाब से। इस तरह कोई छूटेगा नहीं। अब बड़े भाई की बात सबको माननी ही थी, इसलिए सब अपनी उम्र के हिसाब से एक लाइन में खड़े हो गए। फिर एक एक करके सारे भाइयों ने आईने में झांकना शुरू किया। किसी को द्रौपदी दिखी तो किसी को भीष्म पितामह दिखे। सबको कोई ना कोई ऐसा दिखा जिसके बारे में वो सबसे ज्यादा सोचते थे। अब परिवार वाले आईने के जादू का मजा ले ही रहे थे कि वहां घूमते घूमते कौन आया होगा? कृष्ण भगवान। हाँ, तो वहां आए कृष्ण भगवान और उन्होंने देखा कि वहां तो सब लोग मजे कर रहे हैं। जब सबने कृष्ण भगवान को देखा तो सभी और एक्साइटेड हो गए। जब उन्होंने पूछा कि चल क्या रहा है यहाँ, तो युधिष्ठिर ने उनको सारी बात समझाई और आईने का जादू दिखाया। कृष्ण भगवान मुस्कुराकर वहां से जा ही रहे थे कि अर्जुन ने उन्हें रोक लिया। अर्जुन बोला, प्रभु आप भी देखिए ना आईने में, हमें भी जानना है कि आप सबसे ज्यादा किसके बारे में सोचते हैं। अब सब भाई फिर से एक्साइटेड हो गए और अर्जुन की तरह कृष्ण जी को फोर्स करने लगे। कृष्ण भगवान ने कहा कि अगर मैंने आईने में देखा तो तुम कभी गैस नहीं कर पाओगे कि किसका रिफ्लेक्शन दिखेगा। अब सबने कृष्ण भगवान से लगा ली शर्त। किसी ने कहा पक्का राधा जी दिखेंगी, कोई और बोला नहीं नहीं रुक्मणी दिखेंगी। अर्जुन ने कहा कि कृष्ण भगवान को तो मैं ही दिखूंगा, क्योंकि मैं उनका भक्त हूँ और वो मेरे गुरु के अलावा मेरे सारथी भी हैं। मतलब वो हमेशा मेरे ही बारे में सोचते होंगे। ऐसा करके सारे भाइयों ने शर्त लगा ली, पर कृष्ण भगवान ने सबसे कहा, सोच लो सब हार जाओगे। अब पांडवों से रहा नहीं गया, उन्होंने कृष्ण भगवान को आईना दिया। पर जब कृष्ण भगवान ने आईने में देखा तो सारे भाइयों के मुंह खुले के खुले रह गए, सभी दंग रह गए।
सब लोगों ने मन ही मन सोचा, अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। कृष्ण भगवान को कौन दिखा मम्मी? राधा। लिटिल शैतान, इसी बहाने आंखें मत खोलो। क्लोज योर आईज राइट नाउ। ओके ओके मम्मी, अब से आंखें नहीं खोलूंगा। बताओ ना कि कृष्ण भगवान को कौन दिखा? ना राधा, ना रुक्मणी, ना अर्जुन, ना भीष्म, ना द्रौपदी, इनमें से कोई भी नहीं दिखा। जादुई आईने में कृष्ण भगवान के सामने प्रतिबिंब था कौरवों के मामा शकुनी का, जो अपने हाथों में पासे यानी डाइस घुमा रहे थे। शकुनी मामा? हाँ शकुनी मामा, अर्जुन को तुम्हारी तरह ही शौक लगा था। बाकी पांडव भाइयों और द्रौपदी भी हैरान हो गए कि राधा रुक्मणी और अर्जुन को छोड़ भगवान कृष्ण सबसे ज्यादा शकुनी के बारे में क्यों सोच रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कृष्ण भगवान से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों। खासकर अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण भगवान, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है? कृष्ण भगवान हंसे और बोले कि तुम सब सिर्फ अपने नजरिए से चीजों को देख रहे हो, ना किसी के प्यार में कमी है ना भक्ति में। देखो अर्जुन, कुरुक्षेत्र में हमारा युद्ध चल रहा है, मतलब महाभारत युद्ध, और ऐसे युद्ध में सिपाही और उनके शस्त्रों से, मतलब उनके वेपन से ज्यादा युद्ध की प्लानिंग, उसकी नीति जरूरी है। अब मैं तुम्हारा सारथी हूँ, इस युद्ध की प्लानिंग पांडवों के लिए मैं कर रहा हूँ, इसलिए फिलहाल शकुनी मामा सिर्फ मेरे बारे में सोच रहे होंगे कि मैं आगे क्या करूँगा और वो मुझे कैसे हराएंगे, और इसीलिए मैं भी शकुनी मामा के बारे में सोच रहा हूँ कि मैं उनके पासों को, उनकी नीति को, उनकी प्लानिंग को कैसे हराऊं, समझे? तब अर्जुन के साथ साथ सारे भाइयों को कृष्ण भगवान की बात समझ आ गई और उन्होंने आईना ढककर रख दिया, क्योंकि उनको भी आगे के युद्ध के बारे में सोचना चाहिए था। बस फिर कभी भी किसी ने उस दर्पण के बारे में बात नहीं की और अंत में महाभारत की लड़ाई पांडवों ने जीत ली। वाव, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अब सोने से पहले एक बात याद रखना, तुम भी कृष्ण भगवान की तरह अपने होमवर्क और पढ़ाई पर फोकस करना, तुम भी जरूर जीत जाओगे। यस मम्मी, अब मुझे नींद आ रही है। तो चलो अब तुम भी कृष्ण भगवान को याद करके अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ, ठीक है? गुड नाइट। ओके थैंक यू मम्मी, गुड नाइट। मम्मी आज मैं आपके लिए एक नया चैलेंज लेके आया हूँ। अच्छा जरा मैं भी तो सुनूं, क्या है तुम्हारा चैलेंज? क्या सच में बच्चे भगवान के पास से आते हैं? क्या मैं भी भगवान के पास से आया हूँ? बताओ बताओ, आज ये मेरा चैलेंज आपके लिए। हाँ और क्या, चैलेंज एक्सेप्टेड। गॉड के पास बहुत सारे प्यारे प्यारे किड्स होते हैं। मैंने और तुम्हारे पापा ने प्रेयर की और भगवान आए और उन्होंने आपको मेरी गोद में यानी लैप में दे दिया। जैसे महाभारत में सूर्य देव ने कर्ण को कुंती की गोद में दे दिया था। सूर्य देव ने कर्ण को कुंती को दे दिया था? ये स्टोरी तो आपने मुझे नहीं सुनाई। अच्छा चलो आज मैं तुम्हें महाभारत से कुंती के वरदान की कहानी सुनाती हूँ। ओके मम्मा। ठीक है सुनो। हजारों साल पहले मथुरा के एक राजा थे, राजा का नाम था शूरसेना। अब शूरसेना की एक पुत्री यानी बेटी थी, उसका नाम था प्रिथा। प्रिथा भी खूब मस्ती करती थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। शूरसेना का एक भाई भी था जिसका नाम था कुंती भोज। कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए शूरसेना ने अपनी बेटी प्रिथा को अपने भाई कुंती भोज को दे दिया। तब से प्रिथा का नाम कुंती पड़ गया।
एक दिन राजा कुंती भोज के महल में ऋषि दुर्वासा आए। दुर्वासा एक बहुत बड़े और ग्रेट ऋषि थे। उन्हें भगवान शिव का अवतार कहा जाता है। सभी लोग उनसे बहुत डरते थे, क्योंकि ऋषि दुर्वासा को बहुत ही गुस्सा आता था, और जब उन्हें गुस्सा आता था तो वो लोगों को श्राप यानी कर्स दे देते थे। इसीलिए सभी उनसे डरते थे। और जब दुर्वासा ऋषि कुंती भोज के महल में आए तो कुंती भोज ने सभी को दुर्वासा ऋषि का खूब ख्याल रखने को कहा, ताकि ऋषि को किसी भी बात को लेकर गुस्सा ना आ जाए। मम्मा, कर्स लेने से क्या होता है? बेटा, वो भगवान थे ना, इसीलिए गुस्से में वो जो बोल देते थे लोगों के साथ वैसा ही हो जाता था। अच्छा, फिर? कुंती ने दुर्वासा ऋषि की खूब अच्छे से देखभाल की। वो ऋषि के खाने सोने सब का ख्याल रखती। कुंती ने ऋषि दुर्वासा की इतनी सेवा की कि खुश होकर ऋषि ने कुंती को वरदान यानी विश मांगने को कहा। कुंती बहुत बुद्धिमान थी। उन्होंने कहा, ऋषि मुनि, मैं तो अभी छोटी हूँ, इसीलिए मुझे कुछ ऐसा वरदान दीजिए जो मेरे भविष्य यानी फ्यूचर में मेरे काम आ सके। फिर ऋषि ने कुंती को ऐसा मंत्र दिया जिसके जाप करने से वो अपने पसंद के किसी भी देवता को जब चाहे बुला सकती थी। कुंती को ऐसा वरदान देकर ऋषि दुर्वासा वहां से खुशी खुशी चले गए। लेकिन कुंती के इस वरदान के बारे में किसी को मालूम नहीं था। आगे क्या हुआ? कुंती को जब से ये मंत्र मिला था, तब से वो ऋषि की बातों को याद करती और सोचती कि क्या सच में वो जिस देवता यानी गॉड को चाहे उन्हें बुला सकती है। यही सब सोचते हुए एक दिन कुंती ने मंत्र बोलते हुए सूर्य देव यानी सन की पूजा की। अच्छा, फिर? कुंती ने जैसे ही मंत्र बोला, सूर्य देव प्रकट हो गए, मतलब कुंती के सामने आ गए। फिर सूर्य देव ने कुंती से पूछा, मुझे क्यों बुलाया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ये सुनकर कुंती ने ऋषि दुर्वासा के मंत्र और आशीर्वाद की पूरी बात सूर्य देव को बता दी और कहा कि मैं तो बस इस मंत्र की जांच कर रही थी, मुझे नहीं मालूम था कि आप सच में आ जाएंगे। हे सूर्य देवता, मुझे माफ कर दे, मैंने आपको बिना वजह ही तकलीफ दी, अब आप चले जाएं। ये सुनकर सूर्य देव ने कहा, नहीं, मैं आया हूँ तो तुम्हें कुछ देकर ही जाऊंगा। ये सुनकर कुंती ने कहा, अच्छा ठीक है, आप जो देना चाहें वो मुझे देकर वापस चले जाएं, क्योंकि मुझे आपसे डर लग रहा है। सूर्य देव ने कहा, ठीक है। फिर उन्होंने कुंती की गोद यानी लैप में एक बच्चा रख दिया। सूर्य देव ने कहा कि हे कुंती, तुम्हारे इस पुत्र यानी बेटे का नाम कर्ण होगा। देखो, ये मेरे कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ। ये दुनिया भर में दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाएगा। दानवीर? दानवीर यानी वैसे लोग जो बहुत काइंड होते हैं, जो भी उनसे कुछ मांगता है वो उसे दे देते हैं। और इस तरह से कुंती की गोद में कर्ण को देकर सूर्य देव चले गए। अब कुंती सोच में पड़ गई कि वो इस बच्चे का क्या करें। वो डर गई कि सब दुर्वासा के वरदान और सूर्य भगवान की बातें जान जाएंगे। इसीलिए कुंती ने कर्ण को एक नदी के पास जाकर छोड़ दिया, जहाँ कुछ मछुआरे यानी फिशरमैन रहते थे। वहीं एक मछुआरे ने कर्ण को अपना लिया और उसे अपने बेटे की तरह पाला। ओह, सो इंटरेस्टिंग। हाँ, बाद में दुर्वासा ऋषि के इसी आशीर्वाद से कुंती के तीन बड़े ही शक्तिशाली बेटे हुए। धर्मराज की प्रेयर करने के बाद कुंती को युधिष्ठिर, तो पवन देव की प्रेयर से भीम, तो इंद्रदेव की प्रेयर के बाद उन्हें अर्जुन जैसा पराक्रमी पुत्र मिला। लेकिन पांडव तो पांच भाई थे ना? हाँ बेटे, नकुल और सहदेव रानी माद्री के बेटे थे, जो महाराज पांडु की दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी थी कुंती। ओके। तो ये थी कुंती के वरदान की कहानी।
शुरू में तो भले ही कुंती ने सबसे छुपा लिया कि कर्ण उन्हीं का बेटा है, लेकिन बाद में ये बात सभी को पता चल गई और फिर कर्ण कभी अपनी माँ या भाइयों के साथ नहीं रहे। उन्हें हमेशा इस बात का गुस्सा रहा कि उनकी माँ ने उन्हें छोड़ क्यों दिया। अच्छा मम्मा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। चलो अब सोने का समय हो गया है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट मम्मी। मम्मी एक बात बताओ, क्या किसी इंसान को अपनी पुरानी गलती की वजह से बहुत दिनों बाद भी पनिशमेंट मिलती है? ए शैतान, क्या गलती हुई है? अरे मम्मी, कोई गलती नहीं हुई है। आज चिन मारो, ये तो मेरा आज का नया चैलेंज है। अच्छा ये बात, तब तो चैलेंज एक्सेप्टेड। पर ये मैं तुम्हें समझाऊंगी कर्ण की कहानी सुना के, ठीक है? कर्ण वही जो दुर्योधन के दोस्त थे? हाँ वही। लेकिन दुर्योधन के दोस्त होने के साथ ही वो बहुत बड़े धुरंधर भी और पांडवों के बड़े भाई भी थे। अच्छा, अर्जुन से भी बड़े? हाँ अर्जुन से भी बड़े। अगर वो इतने बड़े वॉरियर थे तो वो जीते क्यों नहीं? वही तो है आज की कहानी। कर्ण को मिले 3 श्राप यानी कर्स। कर्स? हाँ, जैसे खुश होकर बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं ना, उसी तरह गुस्सा या दुखी होकर श्राप देते हैं। कर्ण को श्राप मिला था? हाँ बच्चे, एक नहीं 3 श्राप, जिसकी वजह से इतने बड़े धुरंधर होने के बाद भी कर्ण पांडवों से जीत नहीं सके। उनको श्राप किसने दिया? पहला श्राप कर्ण के गुरु परशुराम ने उन्हें दिया था। हुआ ये कि एक दिन कर्ण के गुरु परशुराम उनकी गोद में सर रखकर आराम कर रहे थे। अचानक वहाँ एक जहरीला बिच्छू आ गया और कर्ण की दूसरी जांग यानी थाई पर काट कर घाव बनाने लगा। गुरु की नींद ना टूटे इसलिए कर्ण ने उसे दूर ना हटाकर वो घाव और दर्द सहते रहे। जब गुरुजी की आंख खुली और उन्होंने देखा कि कर्ण की जांग से इतना खून बह गया है, तो वो समझ गए कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक क्षत्रिय ही इतना दर्द सहन कर सकता है। और वो समझ गए कि कर्ण ने उनसे झूठ बोलकर विद्या ली है, क्योंकि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को ही धनुर्विद्या सिखाते थे। कर्ण के झूठ से गुस्सा होकर उनके गुरु परशुराम ने उन्हें श्राप दिया कि जब उसे उसकी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, वो उसका यूज नहीं कर पाएगा, वो उसे भूल जाएगा। बेचारा कर्ण। लेकिन मम्मी, उन्होंने विद्या सीखने के लिए झूठ बोला था ना? हाँ बच्चे, झूठ या छल से किया हुआ अच्छा काम भी कभी सफल नहीं होता। फिर क्या हुआ मम्मी, उनको दूसरा श्राप किसने दिया? कर्ण को दूसरा श्राप दिया एक ब्राह्मण ने। हुआ यूं कि परशुराम के आश्रम से निकलने के बाद कर्ण शब्द भेदी विद्या सीख रहे थे। शब्द भेदी? शब्द भेदी विद्या मतलब आवाज सुनकर बिना देखे निशाना लगाना। कर्ण भी शब्द भेदी विद्या सीख रहे थे, तभी उन्होंने एक ब्राह्मण की गाय को कोई जंगली जानवर समझकर निशाना लगा दिया, जिससे वो गाय वहीं मर गई। इससे दुखी होकर उस गाय के ब्राह्मण मालिक ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस तरह तुमने एक असहाय गाय को मारा है, उसी तरह एक दिन तुम भी ऐसे ही असहाय होकर मर जाओगे। मम्मी ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो बहुत बुरा कर्ज था। बहुत ही बुरा। इसीलिए कभी भी बिना देखे समझे हमला नहीं करना चाहिए। आपके लापरवाही से किसी को भी चोट लग सकती है ना? हाँ मम्मी बिल्कुल ठीक। लेकिन कर्ण को तीसरा श्राप किसने दिया? बताती हूँ, कर्ण को तीसरा श्राप दिया धरती माँ ने। हुआ ये कि एक छोटी सी लड़की घी से भरा हुआ एक घड़ा लेकर जा रही थी कि तभी उसके हाथ से घड़ा छूटकर सारा घी धरती पर गिर गया और वो रोने लग गई। कर्ण ने उसे रोने की वजह पूछी तो उसने कहा कि उसकी सौतेली माँ यानी स्टेप मॉम घी के गिर जाने के कारण उसे बहुत मारेगी।
और जब कर्ण ने उसे नया घी लेकर देने की बात की तो उसने कहा कि उसे वही घी चाहिए। तब कर्ण ने धरती से मिट्टी उठाकर उसे निचोड़कर घी निकालना चाहा, जिससे घी तो निकल आया लेकिन धरती माँ को बहुत दर्द हुआ। इसीलिए धरती माँ ने कहा कि सिर्फ घी निकालने के लिए तुमने मुझे इतनी तकलीफ दी है, इसीलिए जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि महाभारत में कर्ण के रथ का पहिया धरती में फंस गया और उस ब्राह्मण के कर्ज के मुताबिक वो असहाय यानी हेल्पलेस हो गए। साथ ही गुरु परशुराम की सिखाई विद्या भी उस दौरान उनके किसी काम ना आ सकी और इन तीनों श्राप के कारण वो वहीं मारे गए। अर्जुन ने तीर चलाकर उनका वध कर दिया। ये तो मुझे पता ही नहीं था, लेकिन उसकी तब सच में बहुत बुरा हुआ। हाँ बच्चे, कई बार अच्छा और वीर होने के बावजूद भी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, जो हमें बाद में नुकसान पहुँचाती हैं। कर्ण पर लगे श्राप हर इंसान को यही सिखाते हैं कि जीवन में कुछ भी पाने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए और किसी काम को करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए। ओके मम्मी, मैं ये बात हमेशा ध्यान रखूंगा। मेरा प्यारा बच्चा, चलो अब सो जाओ, अगली कहानी कल। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट बच्चे, लव यू। मम्मी, आज मेरा चैलेंज सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। अच्छा, जरा सुनो तो क्या चैलेंज लेकर आए हो। मम्मी ये बताओ, क्या एक आदमी दो बार जन्म ले सकता है? अगर ऐसा है तो क्या वो पिछले जन्म का कोई प्रॉमिस दूसरे जन्म में पूरा कर सकता है? ये मेरा आज का चैलेंज। ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड। आज तो तुमने सच में बहुत मुश्किल चैलेंज दिया है। चलो आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जिसका कनेक्शन रामायण और महाभारत दोनों से ही है और इसी में छुपा है तुम्हारे चैलेंज का सलूशन। वाव। हाँ, आज मैं तुम्हें कृष्ण और जामवंत की मुलाकात की कहानी सुनाती हूँ। मम्मी, वही जामवंत ना जो रामायण में थे, भालू की तरह दिखते थे और जो राम जी को वन में मिले थे? हाँ बेटे, जामवंत भालू की तरह नहीं बल्कि वो भालू ही थे, जैसे हनुमान बंदर थे ना वैसे ही। ओके, तो वो भी महाभारत के टाइम हुए थे? हाँ, ऐसे कई लोग हैं जो कई युगों में भी रहे हैं। ऐसे लोगों को अमरत्व का वरदान होता है, यानी कि उनकी डेथ कभी नहीं होती, जैसे हनुमान जी। अच्छा, अब स्टोरी सुनो। श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने एक दिन उनसे कहा कि उनकी एक मणि कहीं गुम हो गई है, वो कहीं मिल नहीं रही, लगता है किसी ने वो मणि चुरा ली है। मणि? मणि एक तरह का रत्न होता है, जेम समझते हो ना, जो डायमंड की तरह ही बहुत ही प्रेशियस स्टोन होता है। उस मणि का नाम था स्यामंतक मणि। अब कृष्ण भगवान उस मणि की खोज में जुट गए और उसकी तलाश करते करते वो एक गुफा में पहुंचे। जामवंत वहां अपनी बेटी जामवंती के साथ रहते थे। कृष्ण ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास स्यामंतक मणि है? तो जामवंत ने कहा कि हाँ, मेरे पास वो मणि है, लेकिन मैं तुम्हें वो मणि नहीं दूंगा। ये मणि मैंने एक दुष्ट से जीता है और ये मणि मैं उसके मालिक को दूंगा। कृष्ण ने कहा कि वो ही इस मणि के मालिक है, लेकिन जामवंत को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, उसके बाद इस मणि को लेने के लिए कृष्ण का युद्ध जामवंत से शुरू हो गया। कृष्ण तो शक्तिमान थे ही, जामवंत भी कम बहादुर नहीं थे। जानते हो, उन दोनों का ये युद्ध पूरे 27 दिनों तक चला। मम्मी, कृष्ण तो भगवान थे, अगर वो चाहते तो उन्हें मणि ऐसे मिल जाता, उसके लिए उनको लड़ना क्यों पड़ा, वो भी अपने पिछले जन्म के दोस्त से। स्मार्ट हो गया है मेरा बेटा। बताती हूँ कि आखिर क्यों उन्हें ये युद्ध करना पड़ा।
बात कुछ ऐसी थी कि जब रामायण में युद्ध के बाद जब राम ने रावण का वध कर दिया और उनकी जीत हुई तो वो माता सीता और भाई लक्ष्मण को लेकर अयोध्या लौटने लगे। तभी जामवंत ने श्री राम से कहा कि प्रभु, इस राम रावण युद्ध में सभी ने अपनी लड़ाई की, लेकिन मुझे अपनी वीरता दिखाने का कोई मौका नहीं मिला। तब प्रभु श्री राम ने उनसे कहा कि आपकी ये इच्छा मेरे अगले जन्म में पूरी होगी, तब तक आप यहीं रहें और तपस्या करें। अच्छा। और हाँ, जब श्री कृष्ण और जामवंत का युद्ध हो रहा था जो 27 दिनों तक चला, और उसके बाद इस युद्ध में जब जामवंत हारने लगे तो उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को याद किया, और जब जामवंत राम को अपनी हेल्प के लिए पुकारने लगे तो कृष्ण को राम के रूप में वहां प्रकट होना पड़ा। राम को वहां देखकर जामवंत सब समझ गए और उन्होंने हाथ जोड़कर अपने प्रभु को प्रणाम किया। वाह, इसका मतलब जामवंत ने श्री कृष्ण और प्रभु राम दोनों को ही देखा। हाँ बेटा, फिर जामवंत ने श्री कृष्ण से एक वरदान मांगा। कृष्ण ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, कहो क्या चाहिए। फिर जामवंत ने उनसे कहा कि आप मेरी बेटी जामवंती से विवाह कर लें, और इसके बाद कृष्ण ने जामवंत की बेटी से शादी कर ली। तुम तो जानते हो ना कि कृष्ण ने बहुत सारी शादियाँ की थी। कहते हैं उनकी 16,000 रानियाँ थी। अच्छा, और वो मणि? और उसके बाद जामवंत ने वो स्यामंतक मणि उन्हें उपहार में दे दिया, और इस तरह से अपने दूसरे जन्म में राम ने कृष्ण बनकर जामवंत से किया वादा पूरा किया। मिल गया तुम्हारे सवाल का जवाब? हाँ मम्मी, ये महाभारत की कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ बेटे, मैं तुम्हें सब सुनाती रहूँगी। चलो अब आंखें बंद करो, सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट मम्मी। मम्मी, आज तो मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। अरे, ऐसा क्या हो गया? और आज तो तुमने मुझे नया चैलेंज भी नहीं दिया। आइडिया! आज तुम मेरे चैलेंज से कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। अब आप मुझे जल्दी से बताइए, अगर कोई इंसान कुछ गलत बात बोल दे तो उसको पनिशमेंट मिलती है? ये मेरा चैलेंज। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैलेंज है। चैलेंज एक्सेप्टेड बेटू जी। जब आप दुर्योधन और द्रौपदी की ये कहानी सुनोगे तो इसका आंसर आपको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है? तब तो मेरा कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तो सुनो, ये वो कहानी है जिसने महाभारत जैसे युद्ध की नींव रखी। एक ऐसा युद्ध जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था, जिसमें करोड़ों सैनिक मारे गए। ऐसा कहा जाता है कि ये भयंकर युद्ध एक बहुत ही छोटी सी बात पर शुरू हुआ था। वो कौन सी बात थी मम्मा? बताती हूँ। बेटे, महाभारत के समय हस्तिनापुर उनकी राजधानी हुआ करती थी, जहाँ कौरवों का शासन था। वैसे तो हस्तिनापुर की गादी पर धृतराष्ट्र के बाद उनके बड़े भाई पांडु के पुत्रों का अधिकार था, लेकिन धृतराष्ट्र के बड़े बेटे दुर्योधन किसी भी कीमत पर राजा बनना चाहता था। यस मामा, ये तो इनजस्टिस है। इसीलिए पांडवों को अपने रास्ते से हटाने के लिए कौरवों ने तब पांडवों को एक छोटा सा राज्य दे दिया था, ताकि वो कोई विरोध ना करें और चुप रहें। इस राज्य का नाम था इंद्रप्रस्थ। पांडवों ने अपने बल, पराक्रम और बुद्धि से बहुत ही खुशहाल और स्ट्रॉन्ग स्टेट बना दिया था, और अब पांडव चाहते थे कि बड़े भाई युधिष्ठिर को राजा बना दिया जाए और धूमधाम से उनका राज्याभिषेक किया जाए। अच्छा मामा। महाराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के लिए सभी राज्यों को इनविटेशन भेजा गया। पूरे इंद्रप्रस्थ को सजा दिया गया। कृष्ण की सहायता से इंद्रप्रस्थ बना था, इसीलिए भी पांडवों का महल बहुत ही आलिशान और सुंदर बन गया था। जो भी उसकी खूबसूरती देखता वो देखता ही रह जाता।
सच मम्मी? हाँ, महल की दीवारों पर एक से एक खूबसूरत पेंटिंग थी। कई खूबसूरत झरने और गार्डन भी थे। बहुत सुंदर था ये महल। जब युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के लिए वहाँ दूसरे राज्यों से राजा लोग आए तो सभी महल की कमाल की खूबसूरती देखकर दंग रह गए। हस्तिनापुर से दुर्योधन और उनके भाइयों ने भी इंद्रप्रस्थ राज्य, वहाँ के भवन और लोगों की खुशहाली को देखा तो अंदर ही अंदर जेलस फील करने लगा। अच्छा? हाँ, दुर्योधन ने राजमहल को देखने की इच्छा भी जाहिर की। राजमहल का आर्किटेक्चर अद्भुत था, बिल्कुल हेवन की तरह। वो ना चाहते हुए भी तारीफ करने पर मजबूर हो रहा था। पांडवों के महल में बहुत कुछ ऐसा था जो किसी जादू नगरी की तरह था। जादू नगरी? हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन आगे जाने पर पता चलता कि वहाँ एक इनविजिबल वॉल है। ऐसे ही कहीं ना कहीं सूर्य की किरणें जब गिरती तो ऐसे लगता कि कोई लैंप जल रहा हो। इस तरह की कई जादुई चीजें थी वहाँ। वाव! हाँ, बिल्कुल माया जाल की तरह। एक जगह तो ऐसा हुआ कि जब दुर्योधन राजमहल के सेंट्रल हॉल में पहुंचा तो उसे ऐसा लगा कि सामने बिल्कुल प्लेन फर्श है, लेकिन जब वो आगे बढ़ा तो वो वास्तव में एक वाटर पूल था, जिसे वो समझ ही नहीं पाया और वाटर पूल में गिर गया और वो पूरी तरह से भीग गया। जब दुर्योधन वाटर पूल में गिरा, उस समय पांडवों की रानी द्रौपदी भी वहीं खड़ी थी। दुर्योधन की इस दशा को देखकर द्रौपदी खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसके मुंह से ये निकला कि अंधे का बेटा अंधा। ऐसा कहा द्रौपदी ने? हाँ, कभी कभी अच्छे लोगों से भी जाने अनजाने में गलतियाँ हो जाती हैं, इसीलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। जानते हो, द्रौपदी का ये कमेंट दुर्योधन को बहुत बुरा लगा। इंद्रप्रस्थ से वापस हस्तिनापुर लौटने के बाद दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी को ये बात बताई और कहा कि द्रौपदी के इस कमेंट ने उसे काफी हर्ट किया है। दुर्योधन द्रौपदी की उस हंसी को भूल नहीं पा रहा था। उसने अपने मामा शकुनी से कहा कि जब तक वो अपनी इस इंसल्ट का बदला नहीं ले लेता, उसे चैन नहीं मिलेगा। आगे क्या हुआ? और उसके बाद महाभारत जैसी बड़ी लड़ाई की शुरुआत हुई। शकुनी मामा और दुर्योधन ने फिर ऐसा जाल बिछाया कि इंद्रप्रस्थ का राज्य भी दुर्योधन का हो गया और आखिरकार पांडवों को विवश होकर युद्ध करना ही पड़ा। ओ मम्मा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। द्रौपदी के मुंह से निकली हुई बात का इतना बुरा रिजल्ट हुआ। मम्मा, द्रौपदी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हाँ बेटा, तुम भी याद रखना, कभी भी किसी से भी ऐसी बात ना कहना जिससे कोई हर्ट हो जाए। बोलने से पहले हमेशा सोच लो कि क्या बोलना है और कब बोलना है। यस मम्मा, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा। मेरा कंफ्यूजन भी दूर हो गया। चलो अब सो जाओ, कल स्कूल भी जाना है ना। गुड नाइट। गुड नाइट मम्मी। मम्मी, नए चैलेंज के लिए तैयार हो? बोलो बोलो। बिल्कुल, आज क्या नया चैलेंज लेकर आए हो? मम्मी, ये बताओ, क्या किसी को अपने ताकत पर इतना घमंड हो सकता है कि वो सामने वाले की ताकत को पहचान ही ना पाए और हार जाए? चैलेंज एक्सेप्टेड। वैसे आज तो तुमने मुझे बहुत अच्छा चैलेंज दिया कहानी के लिए। चलो आज मैं तुम्हें महाभारत की एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जिसमें पांडवों के अलावा एक और भाई भी है। ये है हनुमान और भीम की कहानी, जिसमें तुम जानोगे कि कैसे भीम ने हनुमान को बूढ़ा और कमजोर समझने की गलती की और बाद में उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। हनुमान और भीम भाई थे मम्मी? ये तो आज तक मुझे किसी ने नहीं बताया। हाँ बेटा, हनुमान और भीम दोनों ही पवन देवता के बेटे थे, इसीलिए दोनों ही भाई हुए। बहुत ही प्यारी घटना है ये भी। सुनाओ ना मम्मी। बात उन दिनों की है जब पांडव वनवास पर थे।
उसी दौरान द्रौपदी को एक दिन एक बहुत ही प्यारा और सुगंधित कमल का फूल मिला। द्रौपदी ने तब भीम से कहा कि उसे ऐसे ही कमल के और फूल ला दो। फिर क्या था, भीम निकल पड़े वैसे ही कमल के फूलों की तलाश में। मम्मी, क्या कमल के फ्लावर्स वहाँ नहीं थे जो भीम को ढूंढने आगे जाना पड़ा? यस बेटा, वो कुछ अलग ही तरह के कमल के फूल थे। भीम उन कमल के फूलों की खुशबू जिधर से आ रही थी उस तरफ चल पड़े। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंच गए। फिर जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ मम्मी? उस जंगल के रास्ते पर एक बंदर लेटा हुआ था, जिसकी वजह से वो रास्ता बंद हो गया था। फिर मम्मी, भीम अंदर कैसे गए? भीम ने पहले तो उस मंकी से रिक्वेस्ट की कि कृपया आप रास्ते से हट जाइए, मुझे अंदर जाना है। तो क्या मंकी ने भीम को आगे जाने दिया? उस बंदर ने कहा, तुम मेरे ऊपर से निकल कर चले जाओ, मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, मैं हिलडुल नहीं सकता। लेकिन भीम को उन्हें इस तरह से लांघ कर जाना अच्छा नहीं लगा। फिर क्या हुआ मम्मी? लेकिन थोड़ी देर बाद भीम को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि ए बंदर, हट जाओ मेरे रास्ते से, तुम मुझे नहीं जानते, मैं पांडवों का भाई भीम हूँ, कुंती जिसकी माता है और पवन देव जिसके पिता है, और इस नाते महाबलशाली पवन पुत्र हनुमान भी मेरे बड़े भाई हैं। भीम को बहुत गुस्सा आता है ना मम्मा? हाँ बेटे, गलत बात पर भीम को तुरंत ही गुस्सा आ जाता था। लेकिन उस बंदर ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें जाना ही है तो तुम मेरी पूंछ हटाकर चले जाओ। ये बात भीम को भी ठीक लगी। लेकिन ये क्या, भीम तो उस बंदर की पूंछ को उठा तो क्या, हिला भी नहीं पाए। उसके बाद हनुमान ने कहा, तुम तो महाबलशाली पवन पुत्र भीम हो, फिर भी मेरी पूंछ नहीं हिला पा रहे हो। इसके बाद वो बंदर मुस्कुराने लगे, लेकिन भीम अभी भी उसकी पूंछ हटाने की कोशिश में लगे रहे। भीम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो उस बंदर की पूंछ को हिला भी नहीं सके। लेकिन भीम तो बहुत स्ट्रॉन्ग थे ना, एक मंकी की पूंछ भी नहीं हिला पाए वो। हाँ बेटा, यही तो कहानी का इंटरेस्टिंग पार्ट है। थोड़ी देर बाद भीम को ये फील हुआ कि ये कोई साधारण बंदर नहीं है। तुम तो जानते हो ना कि भीम में 60 एलिफेंट्स के बराबर की ताकत थी। भीम समझ गए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर भीम ने अपनी हार मान ली और हाथ जोड़कर उस बंदर से पूछा कि कृपया आप मुझे बताएं कि आप कौन हैं? अच्छा, तब उस मंकी ने बड़े ही प्यार से कहा, भीम, मैं ही तुम्हारा बड़ा भाई पवन पुत्र हनुमान हूँ, और जिस रास्ते पर तुम कमल के फूल की खोज में चले आए हो, ये रास्ता देवताओं का है, इसीलिए मैं इनकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ हूँ। उस कमल के फूल के तालाब तक कोई इंसान नहीं जा सकता, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ वहाँ ले जाऊँगा। वाव, भाई भाई के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ, ये सुनकर भीम काफी इमोशनल हो गए। उन्होंने हनुमान से रिक्वेस्ट की कि वो अपने असली रूप में आए और उन्हें अपना विराट रूप दिखाएं, जो उन्होंने लंका जलाते समय धारण किया था। विराट यानी बहुत बड़ा रूप है ना मम्मी? हाँ, बहुत बड़ा, समझो आसमां के बादलों तक, इतना बड़ा। वाव, इतना बड़ा? हाँ बेटा। फिर हनुमान ने अपना विराट रूप भीम को दिखाया। भीम तो सरप्राइज हो गए और उन्होंने अपनी आईज क्लोज कर ली। भीम अपने बड़े भाई से मिलकर बहुत खुश हुए। हनुमान ने भीम से कहा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और हर युद्ध में तुम्हारी ही जीत होगी। हनुमान ने भीम को ब्लेसिंग देने के बाद उन्हें अपने गले से लगा लिया। जानते हो बच्चे, हनुमान के गले लगते ही भीम और भी ज्यादा पावरफुल हो गए और वो हनुमान की तरह ही शांत भी हो गए। उनके मन से उनका सारा ईगो और गुस्सा भी खत्म हो गया।
साथ ही उन्हें ये भी सीख मिली कि कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, जैसे उन्होंने पहले हनुमान जी को एक बूढ़ा और कमजोर बंदर समझने की गलती कर ली थी। और कमल के फूल? उसके बाद हनुमान ने भीम को ढेर सारे कमल के फूल दिए और भीम इन्हें हंसी खुशी द्रौपदी के लिए ले गए। वाह मम्मी, दोनों भाइयों के मिलने की कहानी तो बहुत प्यारी है, मुझे तो ये पता ही नहीं था। चलो अब सो जाओ। भीम और हनुमान इन दोनों भाइयों के बारे में सोचते हुए तुम्हें बहुत ही प्यारे सपने आएंगे। गुड नाइट बच्चे। ओके, गुड नाइट मम्मी।